नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं फिल्मों के करम। पिछले 2-3 दिनों में बैक टू बैक कई फिल्मों के ट्रेलर आए हैं। पहला ट्रेलर कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका का आया। ट्रेलर से फिल्म बेहद प्रॉमिसिंग लग रही है। दूसरा ट्रेलर इमरान हाशमी की फिल्म डिब्यूक का आया है और आज सुबह सूर्यवंशी का पहला गाना आने वाला है, उस सूर्यवंशी की फिल्म का जिसने सिनेमा घरों के खुलने का 1.5 साल इंतज़ार किया, उससे ज़्यादा ही बल्कि। धमाका और डिब्यूक तो खैर OTT पर आ रहे हैं। धमाका से कार्तिक आर्यन डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म दिवाली से ज़रा आगे धमाका करेगी 19 नवंबर को। डिब्यूक दिवाली से पहले 29 अक्टूबर को आ रही है अमेजॉन प्राइम पर। कोविड काल में जितनी भी फिल्में आई हैं OTT पर, उनमें बहुत कम ही रही हैं जिन्होंने कम्प्लीटली जस्टिफाई और सेटिस्फाई किया है। इन फिल्मों से पूरी उम्मीद है कि ये ऑडियंस को कम्प्लीटली एंटरटेन और इंस्पायर कर सकें। धमाका फिल्म थ्रिलर है, एक कोरियन फिल्म की सो कॉल्ड एडाप्टेशन है। इसके बाकायदा राइट्स लेकर के इसको बनाया गया है। कार्तिक इसमें RJ और न्यूज़ एंकर दोनों के रोल प्ले कर रहे हैं। मृणाल ठाकुर इसमें उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। अमृता सुभाष कार्तिक की सीनियर बनी गई है। इमरान हाशमी की फिल्म हॉरर जॉनर की है। मलयाली फिल्म एजरा की रीमेक है। ये एक ऐसे पति के रोल में है जिनकी पत्नी पर भूत का साया है। उस साये को अपनी पत्नी की परछाई से वो कैसे हटाते हैं, फिल्म उस बारे में है। सूर्यवंशी तो खैर आपको पता ही है, पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा से उसके बारे में जो वन लाइनर है कि एक ऐसे ATS ऑफिसर की कहानी है जो मुंबई को दहलाने वाले लोगों की साजिश का पर्दाफाश करती हैं, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। कल यानी 22 अक्टूबर को महाराष्ट्र के सिनेमाघर भी खुल रहे हैं पूरी तरह से, और हमारे इस स्कैम के बाद स्टार परफॉर्मर एक्टर और अब तो बल्कि स्टार बनने की दहलीज पर प्रतीक गांधी की फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसका नाम है भवई। गुजरात के फोकलोर से इसे लिया गया है और राम और रावण के बीच का जो संवाद है, रावण के जो सवाल हैं, उन्हें इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारे देश में हर किसी को मसीहा बनाने की जो आदत है आम लोगों की, उस पर भी इस फिल्म में एक सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि ये आने वाली फिल्में किस तरह से हमारा मनोरंजन करती है, उस देश के लोगों का मनोरंजन करती है जो मनोरंजन की भूखी है, जिनके पास मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं है, साधन हैं भी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। शुक्रिया।